हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जसबीर कौर क्रिएशंस। आज मैं आपके सामने ऐसे कैट की शेप में कीचेन बना के लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही इजी है बनाने में। बिगनर्स भी इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के इजीली बना सकते हैं। कीचेन बनाने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की चेन बनाने के लिए हम ये वाले शेड का सेट लेंगे, देन यहाँ पे हम स्लिप नॉट लगाएंगे। फिफ्टीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये हमने 15 चेन बना ली है। यहाँ पे हम जो है फर्स्ट वाली चेन को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, देन सेकंड चेन में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से हमारे पास 2 हैं, इनको ऐसे 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने जो है सिंगल स्टिच ले लिया है। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, अगेन सिंगल स्टिच लेंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, अगेन सिंगल स्टिच लेंगे। ऐसे हमने ये 3 टाइम ले लिया है। ये हम 7 टाइम लेंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में जाएंगे, सिंगल स्टिच लेंगे, फर्स्ट वाले से बाहर आ जाएंगे। ये हम फिफ्थ वाले में जा रहे हैं, ये हमारा 6th हो जाएगा और ये हमारा 7th। ये हमने जो है 7 चेन में सिंगल स्टिच ले लिया है। अगेन यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 2 बार थ्रेड को रैप करेंगे। नेक्स्ट वाले में जाएंगे, पहले हम 2 रिमूव करेंगे, देन 2 और उसके बाद अगेन 2, फिर से 2 टाइम जो है थ्रेड को रैप करेंगे। नेक्स्ट चेन में जाएंगे, नया स्टिच बनाएंगे, 2 निकाल देंगे, देन 2 और लास्ट में 2। ये हमने 2 टाइम ऐसे ले लिया है। अगेन 1, 2, नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सेम ऐसे 2, 2 करके हम इनको निकाल देंगे। ये हमने 3 टाइम ऐसे ले लिया है। अगेन इसको ऐसे 2 टाइम रैप करेंगे, 4 हो गए हैं, देन नया स्टिच लेके 2 निकाल देंगे, नया स्टिच लेके अगेन 2 और लास्ट में फिर से 2 निकाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने ऐसे 4 टाइम ले लिया है। अगेन हम यहाँ पे डबल स्टिच लेंगे नेक्स्ट चेन में से। ये हमने डबल स्टिच ले लिया है। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, तीनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट सिंगल स्टिच लेंगे, और यहाँ पे लास्ट में स्लिप स्टिच लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये ऐसे रेडी हो गया है। यहाँ से हम कैट का फेस बनाना स्टार्ट करेंगे। फेस के लिए
वन टू थ्री चेन लेंगे, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया, वन टाइम डबल क्रोशिया, सेकंड टाइम डबल क्रोशिया, थर्ड टाइम, ये हमने थर्ड टाइम जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। वन टू थ्री, थ्री चेन लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वाले में जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी वहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएंगे। ये जो है कैट का ईयर बन गया है। अगेन डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में से थ्री टाइम लेंगे, वन टू थ्री, ये हमने थ्री टाइम जो है डबल क्रोशिया ले लिया है। अगेन हम दूसरा ईयर बनाएंगे। दूसरा ईयर बनाने के लिए अगेन वन टू थ्री चेन बनाएंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी चेन वहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे और यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा दूसरा ईयर बन गया है। अगेन थ्री टाइम डबल स्टिच लेंगे सेम स्पेस में से, ये वन टाइम डबल स्टिच ले लिया है, सेकंड टाइम डबल स्टिच, थर्ड टाइम डबल स्टिच, ओके फ्रेंड्स, ये हमने अगेन थ्री टाइम डबल क्रोशिया ले लिया है। अगेन वन टू थ्री, थ्री चेन लेंगे और यहाँ से सेम स्पेस में से जाएंगे और यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने स्लिप स्टिच ले लिया है और यहाँ पे जो कैट का फेस है वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि ये हमने कैट की हाफ साइड बनाई है। अभी हम इस साइड में कैट की दूसरी साइड बनाएंगे। अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लेंगे, जैसे हम यहाँ से कम में आ रहे थे अभी हम इसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले हमने ये स्लिप स्टिच ले लिया है। अगेन यहाँ पे सिंगल स्टिच लेंगे, देन नेक्स्ट चेन में से हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट थ्रेड को टू टाइम रैप करेंगे। अगेन जैसे हमने फर्स्ट टाइम रिपीट किया था, टू टू करके इनको बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट अगेन थ्रेड को टू टाइम रैप करेंगे। अगेन टू टू करके रिमूव करेंगे। नेक्स्ट जाएंगे, ये हम थर्ड टाइम जो है ऐसे ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स,
अगेन फोर्थ टाइम, अगेन टू टू करके इनको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे अगेन वन टू थ्री चेन बनाएंगे और यहाँ से स्लिप स्टिच लेंगे। अगेन यहाँ से थ्रेड को ऐसे निकालेंगे, ऐसे इसको बड़ा करेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, देन इसको ऐसे अच्छे से टाइट करेंगे। ओके फ्रेंड, ये हमारे पास कैट की हाफ साइड रेडी हो गई है, फ्रंट साइड। अभी हम इसकी बैक साइड रेडी करेंगे। इन थ्रेड को ऐसे आपस में नॉट लगा देंगे। और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी कैट की जो है फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अभी हम सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले ये वाली साइड बनाई थी, ऐसे ही हम जो है उसकी बैक साइड बनाएंगे, लेकिन हम ये जो टेल वाला पार्ट है ये नहीं बनाएंगे। हम यहाँ से ही इतना पोर्शन जो है बैक साइड के लिए बनाएंगे। तो इसके लिए हम अगेन थ्रेड को ऐसे लेंगे और यहाँ से एक स्लिप नॉट लेंगे। ये सेवन जो है हमने चेन टेल के लिए ली थी, अभी हम ये वाली टेल के लिए हम नहीं लेंगे, तो हम ओनली एट चेन लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमने एट चेन ले ली है। फर्स्ट वाली चेन इसको स्किप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल स्टिच लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट थ्रेड को टू टाइम रैप करेंगे और ऐसे रिमूव करेंगे टू टू स्टिचेस। अगेन थ्रेड को टू टाइम रैप करेंगे, ओके फ्रेंड्स, अगेन थर्ड टाइम सेम हम वैसे ही करेंगे। थ्रेड को यहाँ पे हुक के ऊपर से टू टाइम ऐसे घुमाएंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ से पहले दो, फिर दो और लास्ट में फिर से ये दो हम निकाल देंगे। ये हमने थ्री टाइम किया है, अगेन ये फोर्थ टाइम करेंगे। ओके फ्रेंड, अभी हम यहाँ पे चेन बनाएंगे थ्री की, वन टू टू थ्री, और इसको यहाँ में फर्स्ट जो चेन है यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लेंगे ओके फ्रेंड्स,
अगेन हम जैसे हमने ये वाली साइड बनाई है ऐसे ही हम दूसरी साइड में बनाएंगे थ्री चेन। थ्रेड को टू टाइम ऐसे रिमूव करेंगे, सॉरी ऐसे टू टाइम जो है रैप करेंगे ऐसे, पहले टू अगेन टू देन लास्ट में फिर से टू करके ऐसे रिमूव करेंगे। थ्रेड को सेकंड टाइम फिर से ऐसे ही करेंगे, थर्ड टाइम और लास्ट में अगेन फोर्थ टाइम। अगेन यहाँ पे डबल स्टिच लेंगे, ये हमने डबल क्रोशिया ले लिया है। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, तीनों को एक साथ बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट सिंगल स्टिच लेंगे, और यहां से ऐसे बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, ये हमने कैट की बैक साइड बना ली है। अभी हम फेस बनाएंगे, फेस के लिए हम अगेन थ्री चेन लेंगे, वन टू देन थ्री चेन। डबल क्रोशिया, वन टाइम डबल क्रोशिया, टू टाइम डबल क्रोशिया, थर्ड टाइम ले लिया है हमने। अभी हम पहला ईयर बनाएंगे, ईयर बनाने के लिए वन टू थ्री चेन, जहाँ से हमने चेन स्टार्ट की थी वहाँ से स्टार्ट करके अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे और ऐसे बाहर आ जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर बन गया है। अगेन सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया थ्री टाइम, वन टाइम टू टाइम और ये थ्री टाइम। दूसरा ईयर बनाएंगे, वन टू थ्री चेन, फर्स्ट वाले में डालेंगे स्लिप स्टिच लेंगे और ऐसे सेकंड ईयर बन गया है। अगेन थ्री टाइम डबल क्रोशिया, वन टू देन थ्री। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट थ्री चेन और अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे, थ्रेड को ऐसे बाहर निकालेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये कैट की बैक साइड रेडी हो गई है। अभी हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए हम नीडल की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हमने नॉट लगा ली है और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। अभी हम नीडल लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने सेम थ्रेड को नीडल में ले लिया है। इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, देन यहाँ से इनको आपस में ज्वाइंट करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, अभी हम एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे और यहाँ से ये वाले थ्रेड को हाइड करेंगे। थ्रेड को ऐसे यहाँ से ऐसे रैप करेंगे, देन यहाँ से इस थ्रेड को ऐसे अंदर की साइड ले लेंगे और कटर की हेल्प से एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी कैट जो है रेडी हो गई है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम कैट के गले में एक कॉलर डालेंगे। कॉलर डालने के लिए हम ये वाला थ्रेड यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे थ्रेड को छोटा सा पीस कट करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, देन यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ से यहाँ बैक साइड में नॉट लगाएंगे। ये जो हम नॉट लगा रहे हैं ये टाइट नॉट नहीं लगाएंगे, ये एक लूज नॉट लगा रहे हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने ऐसे कैट का कॉलर बना लिया है। अगेन हम ब्लैक थ्रेड लेंगे कैट की आईज और माउथ बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, हमने अभी ब्लैक थ्रेड नीडल में ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने इसमें रिंग डाल लिया है और हमारे पास ये की चेन रेडी हो गया है। की चेन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइस।